देखो दोस्तों, ध्वनि यंत्र हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है और भाई आज जो है ध्वनि यंत्र के बारे में भाई बात की जाएगी। ऐसे दोस्तों पांच आपके लिए जो है ईयरफोन निकाल के आऊंगा जो कि भाई 500 रुपए के प्राइस पेमेंट में अंदर है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम दिवांशु, आप लोग देख रहे हैं टेकी गाय और भाई फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। भाई ये जो ईयरफोन है ये जो है मैं जो है 5-6 दिन से जो यूज कर रहा था और कुछ कुछ जो ईयरफोन है वो तो भाई मैं जो 2-3 महीने से जो यूज कर रहा था। तो उसके हिसाब से दोस्तों मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि भाई कैसे है ये, कौन सा जो है किसके लिए बेस्ट, भाई अलग अलग लोगों के लिए उनकी जो नीड के हिसाब से अलग अलग ईयरफोन जो है उनके लिए बेस्ट हो सकता है। टाइम वेस्ट नहीं करता दोस्तों, आपका फटाफट से स्टार्ट करना है इस वीडियो को। भाई सबसे पहले जो हमारे पास ईयरफोन आता है भाई वो निकल के आता है दोस्तों ये जो है दोस्तों पेट्रोन की तरफ से आता है। ये ईयरफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भाई। ये ईयरफोन की अगर भाई बात करूँ तो 200 रुपये के प्राइस सेगमेंट के अंदर आता है। और इसके दोस्तों फटाफट से दोस्तों निकाल लेते हैं हम इसको यहाँ पर एस्थेटिक अनबॉक्सिंग में, और बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही है हमारा काम। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको बता दो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्लग इन करने के लिए आपको जो है यहाँ पर गोल्ड प्लेट दिया गया है जो कि दोस्तों लॉन्ग रन में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हैं माइक्रोफोन दिया गया है, कॉल को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का बटन दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं दोस्तों वॉल्यूम की अगर बात करूँ भाई ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है भाई। मतलब यहाँ पर दोस्तों बटन ये स्लाइडर दिया गया है तो दोस्तों ये जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। सामने की साइड में अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको मेटल देखने के लिए मिल जाता है जिस कारण कि दोस्तों जो साउंड जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसके अंदर। इसके अगर दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक दोस्तों 200 रुपये के प्राइस सेगमेंट के अंदर इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। इसका दोस्तों गेमिंग रिव्यू भी अवेलेबल है मेरे चैनल पर, अनबॉक्सिंग वीडियो भी अवेलेबल है, आप जो है चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई बढ़ जाते हैं कि हमारे दूसरे ईयरफोन की तरफ। दोस्तों दूसरा ईयरफोन निकल के आता है हमारे पास में, वो निकल के आता है दोस्तों ये दोस्तों सैमसंग का है ये ईयरफोन, ठीक है। ज़्यादा इसको भी कोई एस्थेटिक अनबॉक्सिंग नहीं करते दोस्तों, ये दोस्तों ले आते हैं आपके लिए चीज़ें। तो भाई ये है सैमसंग का ईयरफोन, ठीक है। इसकी जो तार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। इसके पहले जो दोस्तों मैंने आपको जो बताया दोस्तों पेट्रॉन कंपनी की तरफ से आने वाला ईयरफोन, उसका दोस्तों दिक्कत ये थी भाई कि उसका दोस्तों जो ट्रिबल है, मतलब दोस्तों जो छन छन वाली जो आवाज़ें आती है भाई वो जो है इतनी ज़्यादा अच्छी जो है उसके अंदर नहीं आती, लेकिन बेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 200 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आता है दोस्तों, फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब भाई बढ़ जाए दोस्तों हमारे दूसरे ईयरफोन की तरफ। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि ये है दोस्तों सैमसंग का, और भाई अगर सैमसंग की बात करूँ तो सिंपल सोबर लुक है, ठीक है। ज़्यादा दोस्तों कुछ ज़्यादा जो है बल्की लुक नहीं दिया गया इसको, एकदम सिंपल सोबर है, लाइट वेट है। यहाँ पर मैं आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर मैं भी आपको गोल्ड प्लेटेड दिखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, प्लग इन करने का आपके फोन्स में। तो भाई अगर सीधे अगर आपको बताऊँ तो भाई ये जो ईयरफोन है ये जो है बैलेंस साउंड के लिए, इसका मतलब कि दोस्तों अगर आप एक ऐसे यूज़र है जिसको भाई ना ज़्यादा बेस पसंद है ना ज़्यादा ट्रिबल पसंद है, एकदम जो बैलेंस साउंड जिसको बोलते हैं भाई, उस टाइप का साउंड आपको सैमसंग वाले ईयरफोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी दोस्तों एक खास बात बताऊँ तो भाई यहाँ पर मैं अगर आप रिंकिया के पापा वाला गाना सुनेंगे तो दोस्तों साइड में अगर कोई भी चिल्ला चोट करे, रिंकिया के पापा दोस्तों अगर आपके सामने चिल्ला चोट करेंगे दोस्तों आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी भाई सामने जो बंदा बैठा है वो क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। तो मतलब नॉइस कैंसलेशन के मामले में ये मुझे एक जो है बेस्ट ईयरफोन लगा, ठीक है, इस प्राइस सेगमेंट में। दोस्तों ये ईयरफोन की अगर खास बात बताऊँ तो मैंने आपको पहले बताया बैलेंस है सब कुछ, ना कुछ ज़्यादा ओवर है ना कुछ ज़्यादा कम है, ठीक है, बैलेंस्ड मिल जाती है आपको स्टैंडर्ड सारी चीज़ें। और भाई अगर आपको एक बात बताऊँ तो यहाँ पर मैं जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और नॉइस कैंसलेशन काफ़ी अच्छे से करता है, इसको रख दिया दोस्तों साइड में। तो भाई ये रहा वो शाओमी का ईयरफोन, ठीक है। ये सारे दोस्तों जो ईयरफोन है भाई इसके अंदर आपको जो है एक्स्ट्रा ईयरबड्स देखने को मिल जाए दोस्तों। ये जितने भी जो ईयरफोन जो दोस्तों अनबॉक्स हो रहे हैं उनके अंदर भी एक्स्ट्रा ईयरबड है, आपका टाइम बचाने के लिए मैं जो है भाई बता नहीं रहा हूँ इनको, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों हमारा शाओमी का ईयरफोन, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये ईयरफोन। अच्छा दोस्तों इस ईयरफोन की अगर खास बात करें तो यहाँ पर मैं आपको जो है मेटल बॉडी देखने के लिए मिल जाती है। इसकी दोस्तों खास बात ये है कि जब भी आप इसको है प्लग करके गाने सुनते दोस्तों, अगर आप फुल वॉल्यूम पर भी अगर आप गाने सुनेंगे तो भाई बाहर आवाज़ नहीं आती है, ये मुझे दोस्तों इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी कि दोस्तों आप फुल वॉल्यूम पर भी दोस्तों अगर आप गाने प्ले करते, जनरली दोस्तों ईयरफोन में क्या होता है कि बाहर वाले को जो है आवाज़ आती है कि भाई आप जो है कौन सा गाना सुन रहे हैं, या फिर मतलब म्यूज़िक की थोड़ी बहुत आवाज़ जो आती है। लेकिन दोस्तों इसके दोस्तों खास बात यह है कि यहाँ पर में आप जो है गाने सुनते हैं तो आपको जो दोस्तों बाहर की आवाज़ जो है बिल्कुल भी नहीं आने वाली, ये दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा जो है गर्म चाय की प्यारी आराम से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, बेस दुब दुब करके बढ़िया आता है इसमें। हम दोस्तों इंडियंस को दोस्तों जैसा बेस पसंद है दुब दुब वाला, उस टाइप का बेस आपको इस चैनल देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इसकी जो वायर की क्वालिटी है वो इन दोनों से इंप्रूव है, सैमसंग वाले से और पेट्रॉन वाले से। और दोस्तों बताऊँ तो यहाँ पर भी आपको जो है गोल्ड प्लेटेड देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब बढ़ जाए इसके ड्रॉबैक की तरफ, तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको जो है एक ही बटन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, इसी बटन से दोस्तों सारी चीजें होती है। तो भाई कभी कभार क्या होता है कि आपको सॉन्ग्स को जो है आगे बढ़ाना है या पीछे करना है तो उसकी वजह से प्ले हो जाता है, पॉज हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है इसका जो है ड्रॉबैक है। लेकिन ओवरऑल ईयरफोन इज गुड। भाई बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले की तरफ जो कि दोस्तों JBL की तरफ से आता है दोस्तों, JBL C50 हरमन को ईयरफोन चाहिए दोस्तों, मजाक कर रहे थे भाई। दोस्तों ये आता है JBL की तरफ से, ठीक है, JBL C50 HI है इसका मॉडल नंबर, फटाफट से इसको निकाल लेते हैं यहां पर।
और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें हैं भाई ईयरफोन में, दोस्तों इतनी ज़्यादा पुस्तकें दी रखी है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो इसको भी रख देते साइड में। तो भाई यहाँ पर मैं भी आपको एक्स्ट्रा वही सीन मिल जाता है और साथ में ये रहा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है JBL के, इसकी दोस्तों अगर बात करें तो भाई यहाँ पर मैं आपको जो है गोल्ड प्लेटेड वाला सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, प्लग इन करने का जो आता है दोस्तों 3.5mm जैक, वो आपको गोल्ड प्लेटेड नहीं देखने को मिल रहा है इसके अंदर। लेकिन भाई इसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि दोस्तों इसका जो साउंड है वो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको जितने भी दोस्तों 3 ईयरफोन बताए उनमें से दोस्तों बेस्ट लाउडेस्ट साउंड की अगर बात करूँ कि सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है कौन से ईयरफोन के अंदर से आते हैं दोस्तों, ये जो है इसके अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड है। मतलब दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा लाउड है ये इसका साउंड। और भाई इसके अंदर बेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ट्रिबल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मिड्स भी अच्छे, लोस भी अच्छे हैं। और भाई गेमिंग के मामले में भी ये जो ईयरफोन है ये कहीं ना कहीं ये दोनों ईयरफोन से जो है आगे निकल जाता है, सॉरी दोस्तों ये तीनों ईयरफोन से जो है आगे निकल जाता है। ठीक है, अब दोस्तों भाई बता चलूँ कि आपको इसमें और क्या खासियत है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाला जो ईयरफोन है इसके अंदर दोस्तों बेस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, जैसे हम इंडियंस को बेस पसंद आता है। और भाई साथ ही साथ अगर आपको दोस्तों तो छन की दोस्तों जो आवाज़ है, मतलब कुल मिलाकर दोस्तों जो ट्रिबल है वो भी काफी ज्यादा अच्छा इंप्रोवाइज किया गया है JBL वाले ईयरफोन के अंदर। लेकिन भाई इसका एक ड्रॉबैक दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पर मैं आप लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर मैं आपको माइक तो दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पावर एंड करने का, मतलब सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैं कॉल कनेक्ट करने का, डिसकनेक्ट करने का, वॉल्यूम को आप इंक्रीज करने का, डिक्रीज करने का, कोई भी आपको इसके अंदर जो है सिस्टम नहीं देखने में मिलता है। तो ये मुझे जो है कहीं ना कहीं पर्सनली एक ड्रॉबैक लगा, क्योंकि भाई देना चाहिए था मैनुअली जो है, इतना ज़्यादा कभी कभार जो है हमारा मन होता है कि भाई यहाँ से जो है कर ले, तो वो सीन जो है दोस्तों इसके अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल ये भी ईयरफोन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर आप लेना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप एक ऐसी यूज़र है जिसको कि भाई बेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो दोस्तों आपको इसके साथ जाना चाहिए। अगर दोस्तों आपको बेस और आपको लाउड साउंड चाहिए भाई, तो आपको जो है JBL C50 के साथ बिना सोचे समझे जाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ईयरफोन है। ये चीज़ ध्यान में रखने की, इसके अंदर जो है यहाँ पर मैं इसके अंदर आपको जो है वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने वाला जो है सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब भाई बढ़ जाते हैं हमारा लास्ट जो कि है हमारा बेस्ट ईयरफोन, जो कि आता है दोस्तों रियलमी की तरफ से, रियलमी बर्ड्स 2 है दोस्तों इसका नाम। और भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा क्लासी है ये दोस्तों, आप देखिए एक बार इसको, इसकी दोस्तों अनबॉक्सिंग अच्छे से की जाएगी क्योंकि भाई इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं प्राउड टू बी यंग, इसको हटा देते हैं। ठीक है भाई, हम हैं प्राउड, यहाँ पर मैं दोस्तों इसको निकाल ले। तो दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर आपको इसका फीचर बताऊँ तो यहाँ पर मैं आप जो देख सकते हैं मैग्नेटिक वाला सिस्टम इसके अंदर जो दिया गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है भाई, कस का जो मैग्नेट है ये दोनों आपस में जो है चिपक जाते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और भाई लुक वाइज भी अगर बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा कूल लगते हैं, क्योंकि ब्लैक और येलो के कॉम्बिनेशन में आते हैं। और भाई ये वाले दोस्तों जो ईयरफोन है ये भाई सभी जितने भी दोस्तों जो चारों ईयरफोन है सब में बेस्ट है, बेस के मामले में, ट्रिबल के मामले में, मिड्स भी अच्छे हैं, लोस भी अच्छे हैं। मतलब दोस्तों कहीं भी इसके अंदर जो है मुझे कोई भी कमी नहीं देखने के लिए मिली। रियलमी बर्ड्स 2 है ये ईयरफोन। यहाँ पर मैं दोस्तों आपसे बात कर लूँ अगर इस ईयरफोन की, तो भाई कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। लेकिन भाई इसका जो प्राइस है वो हल्का सा जो है 500 रुपये के प्राइस सेगमेंट से जो है ऊपर चल जाता है। ये दोस्तों करीब करीब जो है 599 रुपये के आसपास आते हैं। अगर दोस्तों आप जो है अपना बजट को दोस्तों थोड़ा सा अगर आप जो है इंक्रीज कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको जो है रियलमी बर्ड्स 2 के साथ जाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ईयरफोन है साउंड के मामले में, ट्रिबल के मामले में। कहीं भी आपको जो है डिसअपॉइंटिंग जो है काम आपको देखने में नहीं मिलेगा इसके अंदर, कहीं भी दोस्तों आपको जो है डिसअपॉइंटमेंट जो है फील नहीं होगी अगर आप जो है इस ईयरफोन को जो है परचेज करते हैं। दोस्तों जितने भी ईयरफोन है सबकी जो लिंक है वो जो है भाई डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जो है जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। अब भाई बढ़ जाते हैं कि कौन सा ईयरफोन जो है किसके लिए बेस्ट है। देखो दोस्तों अगर आप एक ऐसे यूजर है जिसको कि भाई ईयरफोन चाहिए लेकिन एकदम बजट में, एकदम बजट से मेरा मतलब है दोस्तों कि 200 रुपये के प्राइस सेगमेंट में जिसको ईयरफोन चाहिए, तो उसको जाना चाहिए दोस्तों इस वाले ईयरफोन के साथ। कहेंगे हाँ जी हाँ दोस्तों, तो उसको जाना चाहिए भाई इस वाले ईयरफोन के साथ, पेट्रॉन कंपनी की तरफ से आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो इस वाले के साथ आप जो जा सकते हैं। ऐसे यूज़र है जिसको कि भाई ये चाहते कि भाई हम तो दोस्तों सुन रहे हैं उसकी आवाज़ भाई बिल्कुल भी बाहर ना जाए और बिल्कुल जो है क्लासी दिखे, तो दोस्तों आपको जो है इस वाले के साथ जाना चाहिए। ये दोस्तों शाओमी की तरफ से आता है। ठीक है, शाओमी बेसिक वाला ईयरफोन है ये, और ये जो है 450 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर मैं दोस्तों अगर आपको बताऊँ तो ट्रिबल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसमें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, अब भाई बढ़ जाते कि और जो है क्या सीन है। तो दोस्तों जिसको भाई बैलेंस साउंड चाहिए एकदम, मतलब कि भाई ना ज्यादा बेस ना ज्यादा ट्रिबल, तो उसको भाई जाना चाहिए सैमसंग के साथ। अब भाई एक कोई अगर ऐसा यूजर है जिसको कि भाई सब चीज बेस्ट चाहिए एकदम, दोस्तों बेस भी काफी ज्यादा कड़ा आना चाहिए, उसके बाद में भाई ट्रिबल भी काफी ज्यादा बेहतरीन आना चाहिए, तो उसको जाना चाहिए भाई रियलमी बर्ड्स 2 के साथ। भाई जितने भी ईयरफोन है सबकी लिंक्स जो है वो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई, डिस्क्रिप्शन से परचेस करने लगा, चैनल का भी जो है थोड़ा बहुत जो फायदा हो जाएगा उससे। तो भाई बस यही दोस्तों मेरे को आप लोगों के लिए ईयरफोन के जो है रिव्यू लेके आने तक, दोस्तों इतने था छोटे होपफुली आपको जो वीडियो पसंद होगी। अगर भाई आपका कोई भी अगर सुझाव हो तो नीचे जो है कमेंट करके जरूर बताना, मैं दोस्तों पूरा पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। दोस्तों इतने था आज के वीडियो में, होपफुली आपको जो वीडियो पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो भाई इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और गाइस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूं उसकी अगली वीडियो में, तब तक लगे जय हिंद जय भारत।